सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं मैं अभी अपने घर के पास खड़ा हूँ और हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए वहाँ जहाँ मात्र 30 रुपये में आपको रहने खाने सोने की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए कि कोई बंदा अगर बाहर से पटना आया है तो वो मात्र 30 रुपये देकर आराम से यहाँ रह सकता है और मात्र 30 रुपये में ही आपको सब चीज़ फ्री मिलने वाला है, रहने से लेके खाने से लेके सब कुछ फ्री होने वाला है। तो चलिए मैं उस जगह का आपको लोकेशन दिखाता हूँ, वो कहाँ है, कैसा है, वो सभी चीज़ें मैं रिव्यू करता हूँ आपके साथ मिलके और दिखाता हूँ कि वहाँ किन किन चीज़ों से सुविधाएँ मुहैया कराई गई है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं वहां जिसका नाम है निशुल्क आश्रय स्थल। तो दोस्तों, यहां जो है यहां निशुल्क आपको रहने की व्यवस्था की गई है और ये गाय घाट डंका इमली के पास जस्ट सब्जी मंडी के जस्ट बगल में है। तो चलिए, ये मेन गेट हुआ, मैं यहां से प्रवेश करता हूं और आपको दिखाता हूं कि अंदर किस किस चीज़ों से लैस की गई है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिसमें ये लिखा हुआ है निःशुल्क आश्रय स्थल अजीमाबाद अंचल पटना नगर निगम। तो दोस्तों, यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ सभी को रहने के लिए व्यवस्था की गई है, खासकर वो लोग यहाँ रह सकते हैं जो बाहर से पटना से किसी काम के लिए यहाँ पहुँचे हैं और साथ में जो लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं, ठेला चालक हैं, वो लोग रात को खाने की व्यवस्था हो जाती है लेकिन रात में सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण भारी बारिश में या कड़कती ठंड में वो फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। तो उन लोगों को देखते हुए ये बिहार सरकार पटना नगर निगम के हाथों ये चीज़ को बनाया गया है और यहाँ उन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये कमरा नंबर 1 हुआ, ये पुरुषों के लिए है और ये कमरा नंबर 2 हुआ, ये महिलाओं के लिए है। तो चलिए दोस्तों, हम कमरे में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ 25 बेडों का इंतजाम किया गया है और हर 25 बेड पे यहाँ एक तकिया, एक मच्छरदानी, एक बेडशीट और एक कंबल दिया गया है और साथ में यहाँ सामान रखने के लिए गोदरेज भी दिया गया है, जो कि काफ़ी यहाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और गर्मी में पंखा भी दिया गया है। साथ में देखिए, ये कमरा नंबर 2 है लेडीज़ के लिए। दोस्तों, यहाँ भी 25 बेडों का सीट अवेलेबल किया गया है और हर बेड पे एक तकिया, एक कंबल, एक बेडशीट और एक मच्छरदानी दिया गया है। साथ में सामान रखने के लिए यहाँ गोदरेज भी दिया गया है, गर्मी के लिए पंखा भी दिया गया है। Thank you.
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ खेल के लिए भी पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैडमिंटन खेलने के लिए आपको यहाँ नेट लगाया गया है, साथ में बैडमिंटन के साथ में आप लोग यहाँ कैरम भी खेल सकते हो, लीडो भी खेल सकते हो, मतलब पूरा अपना जैसा घर के जैसा यहाँ आप लोगों को लगने वाला है, यहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ शौचालय बनाया गया है, यहाँ पुरुषों के लिए दूसरा शौचालय और महिलाओं के लिए दूसरा शौचालय का निर्माण किया गया है, साथ में यहाँ नहाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है और साफ़ सफाई का भी बाथरूम टॉयलेट का पूरा ध्यान रखा गया है। और जस्ट इसी के सामने यहाँ किचन है दोस्तों, फिलहाल अभी ये ताला बंद है क्योंकि यहाँ से सभी लोग परीक्षा देने के लिए जा चुके हैं, क्योंकि बिहार SSC का परीक्षा चल रहा है तो यहाँ छात्र लोग पहुँचे थे, रुके थे। फिलहाल मैं खिड़की से दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ टेबल कुर्सी की भी व्यवस्था की गई है खाना खाने के लिए। वैसे फ्रेंड्स हमारी एक कर्मचारी से बात हुई है, वो बोले कि मैं किचन का गेट खोल देता हूँ, आप भीतर जाकर अपने व्यूअर्स को ये सब दिखा दो ताकि वो लोग जाने। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गेट खुल रहा है और आप देख सकते हैं कि गेट खुल चुका है, तो चलिए मैं अंदर जाके आप लोगों को ये सब दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स वहाँ जो देख रहे हैं वहाँ खाना बनता है और खाना बनाने के लिए दो लेडीज़ हमेशा रहती है वहाँ, और साथ में यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ टेबल कुर्सी भी खाना खाने के लिए दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया है, यहाँ बहुत बड़ा TV का भी प्रबंध किया गया, यहाँ बैठ के आप पूरी फिल्म देख सकते हो, सीरियल देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, साथ में यहाँ छोटी सी लाइब्रेरी भी दी गई है और यहाँ आप बैठ के किताबें भी पढ़ सकते हो, जो मन किताब पढ़ना है यहाँ बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो। और आप देख सकते हो मात्र 30 रुपये में इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, क्या ऐसा फैसिलिटीज़ आपको कहीं 30 रुपये में मिलेगा? आप बड़े बड़े होटल में भी चल जाओ फिर भी आपका ऐसा फैसिलिटी आपको कभी नहीं मिलेगा। और साथ में देख सकते हैं यहाँ कैरम भी रखा हुआ है खेलने के लिए, तो ये तो भाई बहुत 30 रुपये में काफ़ी चीज़ें आपको मिल रही। सो फ्रेंड्स मैं ये सब चीज़ें देख के दंग रह गया यार, पटना नगर निगम ने महात्मा गांधी सेतु पुल के नीचे ऐसा बंदोबस्त किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कड़कती ठंड में भारी बारिश में जो ठेला चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और वो फुटपाथ पर ही सो जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। मात्र 30 रुपये देने और 30 रुपये में वो खाना भी खा लेंगे और आराम से रात को सो भी सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये सिर्फ बिहार के पटना में नहीं, हर भारत के कोने कोने में इस चीज़ को किया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं गरीब परिवार जो फुटपाथ पे सोते हैं वो लोग चैन की नींद सो सकें। सो फ्रेंड्स अब बात आती है कि यहाँ कितना पैसा लगता है, तो दोस्तों यहाँ पैसा नहीं लगता है, मात्र 30 रुपये लगते हैं, वो भी सिर्फ खाने के। आप दिन में जितना प्लेट खाना खाओगे उतने प्लेट का आपको 30 रुपये देने होंगे, मतलब कि आप 100 रुपये के अंदर आप पूरा दिन का भोजन कर सकते हो और रहना सोना सब फ्री होता है, सिर्फ खाने का पैसा लगता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये बुकिंग कैसे होता है, तो दोस्तों ये ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, आने के बाद आपको यहाँ अगर सीट खाली रहेगा तो आपको दिया जाएगा, वरना सीट खाली नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स साथ में आपको एक आधार कार्ड देना होगा और ये दर्शाना होगा कि आप यहाँ कितने दिनों तक रहना चाहते हैं और किस काम से यहाँ पहुँचे हैं, ये सब दर्शाएंगे तभी आपको ये रूम दिया जाएगा। तो यही है निशुल्क आश्रय स्थल, तो दोस्तों आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आकर इस चीज़ का आनंद लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
ताकि पूरे दुनिया को ये पता चले। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।